ये एक ऐसा पल है जो एक युग के अंत को दर्शाता है। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया है। बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। वो 86 साल के थे और ब्लड प्रेशर में अचानक गिरावट के कारण भर्ती हुए थे। बाद में उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। हाल ही में उनके स्वास्थ्य को लेकर मिले आश्वासन के बावजूद इस खबर ने सभी को चौंका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेताओं ने अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। टाटा के दूरदर्शी नेतृत्व और अपार योगदान का जश्न मनाते हुए उनके मार्गदर्शन में टाटा ग्रुप ने बड़े पैमाने पर विस्तार देखा। टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध किया। रतन टाटा का निधन सिर्फ एक बिजनेस लीडर का नुकसान नहीं है, बल्कि भारतीय उद्योग के लिए एक युग का अंत है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। शांति से रहें रतन टाटा। आपको याद किया जाएगा, लेकिन कभी भुलाया नहीं जाएगा।